हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे बीके कारपेंटर चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस बेड को कलर करके पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, पहले हमारा हेल्पर जो है वो कलर कर रहा है, और इस तरफ ये देखिए इसका हेडसेट का बोर्ड जो है इस पर हमने कलर कर लिया है एक बार, और इस पर अभी और इसको एक बार कलर कर लिया। ये कलर अभी ये सूख जाएगा, तो फिर से हम एक बार सैंड पेपर मारकर इसको थोड़ा सा चिकना करेंगे, उसके बाद फिर से कलर करके इसको ठीक करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए कलर हो रहा है थोड़ा बहुत अभी। तो गाइस, ये देखिए अभी हेडसेट का कलर हो रहा है, जैसे पेयर सेट का कलर तो करके हो गया कंप्लीट, अभी इसका हेडसेट पर कर रहे हैं, और साथ ही इसका हमने प्लाई भी लगा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ये देखिए इसका हेडसेट का हमने दोबारा कलर के कर लिया है, दोबारा कलर करके इसको यहाँ पर रख दिया है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो दोस्तों, इसके डिजाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ये इसका हेड का डिजाइन जो है निकाल कर लगा भी सकता है, निकाल भी सकता है। तो दोस्तों, हमने बेड को जो है पूरी तरह से खोल दिया, खोल के इसको हम कलर करेंगे अच्छी तरह से। इसका ड्रॉयर वगैरह में भी हमने कलर कर लिया है, ये देखिए ड्रॉयर में भी हमने कलर कर लिया है। और दोस्तों, ये देखिए ये है पेयर सेट का डिजाइन, इसका भी हमने दोबारा कलर कर लिया है, इसको भी हम फिनिशिंग वाला कलर करेंगे, करने वाला है। तो दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक कैसा लगा, इसका डिजाइन कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका हेडसेट का दीजिए, ये भी कलर करके लगभग हो गया है, इसका भी फिनिशिंग वाला कलर करना बाकी है। तो गाइस, ये देखिए हमने बेड का पेयर साइड का डिजाइन जो हमने ले लिया है, इस पर अभी हम फिनिशिंग वाला कलर कर रहे हैं। ये देखिए, ये कलर जो है ताजवुड जो बोलता है वो वाला कलर है, रेडीमेड कलर। तो गाइस, ये रेडीमेड वाला कलर, ये अच्छा वाला कलर है, तो इससे मारने से फिनिशिंग जल्दी होता है, ग्लेजिंग भी अच्छी तरह से आ जाता है इसका। तो इसी से हम फिनिशिंग करने वाले हैं। तो गाइस, इसका पेयर सेट के डिजाइन से कलर करके हो गया है कंप्लीट, अभी इसके हम हेड सेट का जो बॉक्स में कलर कर रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका भी कलर करके कंप्लीट कर देंगे पूरी तरीके से आज। तो गाइस, आज इसका हम पूरी तरह से कलर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहे। तो गाइस, इसका हेड बॉक्स का भी कलर करके लगभग हो गया है कंप्लीट, और इसके अभी हेडबोर्ड का जो है डिजाइन उस पर हम कलर कर रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो गाइस, ये देखिए हमने इसके हेडसेट का हेडबोर्ड का डिजाइन जो है उस पर भी हमने कलर करके लगभग पूरी तरह से हो गया है कंप्लीट। तो कंप्लीट कर लेने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से। तो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा इसका डिजाइन। और गाइस, ये देखिए, ये है इसका साइड वाला ड्रॉयर जो है वो है ये वाला साइड का ड्रॉयर, और ये देखिए पेयर साइड का डिजाइन जो है उसका भी हमने कलर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो ये भी देखिए कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, देखिए। और इसका हेड बॉक्स भी देखिए, उसका भी कलर हो गया है कंप्लीट। तो ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, कितना अच्छा ग्लेजिंग हो रहा है, देखिए दोस्तों। तो गाइस, इसका डिजाइन कैसा लगा, हेड बॉक्स का डिजाइन कैसा है कमेंट में ज़रूर बताएं। हेड बॉक्स नहीं बल्कि पूरे तरफ इसके बेड का डिजाइन कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। देखिए, ये इस पर हमने अभी हैंडल लॉक और हैंडल जो इसका भी हमने लगाया नहीं, इसका हम लगाएंगे बाद में। ये देखिए, ये है साइड वाला पार्ट जो इसमें ड्रॉयर लगाएंगे, बड़ा सा ड्रॉयर लगाएंगे इस पर,
बड़ा करके दोयर होगा इस पर, तो उसके लिए हमने डोयर भी रेडी करके ये देखिए इस तरह रखा, ये वाला है सबसे बड़ा वाला डोयर इसका, देखिए। और इस तरफ देखिए ये है ये वाला, इस साइड में आपका छोटा डोयर दो होगा, एक साइड में बड़ा डोयर और एक साइड में दो डोयर छोटा छोटा, ये देखिए ये वाला डोयर होगा दो छोटा वाला डोयर ये। तो दोस्तों हमने इस बेड का साइज़ जो हमने बनाया है, बेड का चौड़ाई हमने रखा है 6 फीट का और इसकी लंबाई 6.5 फीट का है, तो बेड का चौड़ाई 6 फीट है, तो इससे हम बीच में भाग करके दोनों साइड 3 फीट 3 फीट का डोयर बनाया है हमने इस पर। तो गाइस आप लोगों को इस बेड का डिज़ाइन जो है कलर करके कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और गाइस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।